आप लोग बहुत थके होंगे ना, सबसे पहले तो इतना रात पर आप लोग 2 बज गया, बस्ती में हमको पता है जल्दी सोता है, तो यहाँ आपका बेटा एक छोटा लड़का आया हुआ है, तो आप लोग इतना देर रात को भी आने, आप लोग इतना मेहनत करके यहाँ पे हमको सुनने के लिए बैठा है, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, और आप लोग को इतना देर रुकाने के लिए उसके लिए बहुत बहुत सॉरी, तो थैंक यू और सॉरी एक साथ बोल दिया आप दोनों को। अभी लालू आम निम्बम है मतलब हम तो तंबू बस्ती का आने आप लोग कोई हमसे छोटा है कि भी नहीं हमको पता नहीं चल रहा है, ऐसा है बोलने से भी हम जो है आप लोग हमको एमपी कैंडी देते सोच के कभी सर बोल के एड्रेस करने का जरूरत नहीं है, ना ही आज सर बोलो ना ही कल को भी बोलो, हम आप लोग का बेटा ही बन के आया, आप लोग का भाई बन के आया, और कल को ये इलेक्शन में हार जीत कुछ भी हो हम आप लोग का बेटा बन के ही रहेगा हमेशा। तो अभी जैसे अभी ये इलेक्शन में क्यों कूदा कैसे करके कूदा वो मेरा वाइस चेयरमैन जो है सब कुछ आप लोग बोल दिया, उसको दोबारा से हम बोल के फायदा नहीं है क्योंकि दोबारा रिपीटेशन हो जाएगा और आप लोग का टाइम हम बस और लंबा खींचेंगे। वैसे दिल में बहुत सारा चीज है और बात करने के लिए अगर बात करना हो जैसे हम रात भर भी बात कर सकते हैं, खत्म नहीं हो, इतना सारा चीज दिल में है, लेकिन वो सब चीज को अभी इतना देर में हम बात नहीं करके सीधा इस पे आते कि आज इस समय में हम लोग इस पोजीशन में क्यों है और आज आप लोगों को इतना रात भर यहाँ बिता के रखने का क्या कारण है। तो इलेक्शन करते समय में सब कुछ सोचता है कि इलेक्शन करने के लिए किसी के पास बहुत पैसा होता होगा या तो बहुत लिंक लगाया होता होगा, तो अभी आप लोगों को बताया कि नॉमिनेशन फाइल करने के लिए भी मेरे पास पैसा नहीं है, हम तो कम से कम ऐसे लड़का था जो कल परसों तक 12-12 घंटा बैठ के पढ़ाई कर रहा था क्योंकि हमको एक नौकरी चाहिए था और अपने माँ पिता जी का साथ एक खुश जिंदगी बैठना था, कल वो बुढ़ा बुढ़ी हो जाएगा हमको उसका सपोर्ट सिस्टम बनना था, उसका जैसे अब वो एक नाती पकड़ा वो नाती आपको बनना था, इतना ही सा सपना था। तो हम खुद ईटानगर में एक 12 का घर में बैठते हैं, ईटानगर तो लोग एक 12 का घर में बैठते हैं, महीना का 5,000 रुपया देता है, आज 5-6 महीने से वो 12 का घर को भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं, 3-4 महीना हो गया 5 महीना हो गया वो 12 का दे नहीं पाया, और कभी कभी वो रूम में जाते तो वहां पुलिस आ जाते, तो और भी नहीं जाता है कुछ नहीं, पुलिस हम चोरी बोल के नहीं आता है, पुलिस हम चोर करने वाला को नौकरी बेचने वालों को पकड़ो बोल के बोलता है बोल के नहीं आता है, ये तो गलत हो गया ना। और मेरा पिताजी जो बस्ती में आप लोग जैसे आपसे थोड़ा सा ज्यादा बुरा होगा, उसको भी कान सुनाई नहीं देता है, आंख अच्छा से दिखाई नहीं देता है, 3-4 तो दांत रहेंगे, अभी भी खेती करता है, लेकिन इसका बच्चा जो है आज इलेक्शन में खड़ा है किरण रिजिजू साहब के जैसे अगेंस्ट में, फॉर्मर सीएम है हमारा तुक्की साहब के अगेंस्ट में, नाउ तुक्की के अगेंस्ट में, ऐसे इतना हिम्मत कहां से आता है, कौन है ये 28 ईयर्स का बच्चा जो आके है, आदमी लोग सोचते हैं इसके पास कुछ तजुर्बा नहीं है, ये किसी को कोई लगाया होगा डिस्टर्ब करने देने के लिए, जैसे आप लोग बताए ये जो कमिटमेंट हम लोग 3-2 साल से नौकरी को बेचने वालों को लेकर लड़ रहा है, हम लोग को ऑप्शन नहीं मिल के आज इधर खड़ा है हम लोग, अगर जो पोजिशन में है जो पावर में है इन लोग जो आपका काम किया था पुलिस से, ये तेजी राणा जो 28 ईयर्स का आप लोग का बेटा को यहाँ खड़ा करके अभी का समय ये स्पीच करने की जरूरत नहीं था, ये भाषण देने की जरूरत नहीं था, ये इलेक्शन का जो बैनर लेके घूम रहा है ये करने की जरूरत नहीं था, लेकिन इशू रिजोल्व नहीं हुआ ना, आप लोगों का अंदर में अभी भी दर्द है, अपना बच्चा को पढ़ाया नहीं गया, मेरा अंदर भी दर्द है क्योंकि मेरा पिताजी के साथ मेरे माँ पिताजी भी एक सपना देखा था, हाँ और हम खुद भी एक सपना देखा था, और ऐसे ही बहुत सारा चीज है इसका सोल्यूशन कोई नहीं ढूंढ रहा है बताया, तो इसीलिए आप लोगों को और ज्यादा टाइम नहीं लेके अभी जितना भी मेरा वाइस चेयरमैन बताया है उसको लेके हम आप लोग को एक ही चीज बोलना चाहते हैं कि ये जो लड़ाई जो हम लोग लड़ रहे हैं पिछले 2 साल से, अभी जो पेपर बेचने का खरीदने का नौकरी को पर लिख के नौकरी नहीं मिल रहा है, पैसा से नौकरी को खरीदा जा रहा है, अगर ये सब चीज जो आप लोग को लगता है कि ये सही है, अगर आप लोग को लगता है कि पेपर बेचना अच्छा बात है नौकरी को बेच के ही खाना चाहिए
अगर ऐसे लगता है और ये गवर्नमेंट जो है इसको इसका ऊपर एक्शन नहीं ले रहा है, अगर लगता है कि ये भी अच्छा है तो आप लोग ऐसे में हमको वोट मत कीजिएगा। लेकिन अगर आप लोग को लगता है कि ये सब चीज रुकना चाहिए, ये सब चीज गलत है, पेपर को नहीं बेचना चाहिए, नौकरी को नहीं खरीदना चाहिए, नौकरी को अपने हिम्मत पे अपने टैलेंट के हिसाब से लिख के पास करना चाहिए, आप लोग ऐसे सोचता है तो। और अगर आप सोचते हैं कि चांदनी होटल जैसे मैं नौकरी का एग्जाम को लिख के और किसी का तोहफर का एड्रेसिट को लेके फिर से कॉपी करके ऐसे अगर नौकरी लिखता है लिखना जो है, अगर आप लोग को लगता है कि ये गलत है और इसका सोल्यूशन होना चाहिए। और ये गवर्नमेंट पिछले दो साल में जो गवर्नमेंट में है इन लोग में से एक बात नहीं बोल सका इसको, अगर आप लोग को लगता है कि ये गवर्नमेंट चुप बैठ के आप लोग को प्रोमिस करके अपने बात पे खरा नहीं उतरा, अगर ये चीज बदलना चाहिए, ये चीज गलत है तो उसके लिए आपका बेटा आज खड़ा हुआ है हिम्मत दिखा के। और ये मेरे और ये हम पॉलिटिक्स करके बोल के नहीं है, ये आज भी हम जो आप लोगों के सामने खड़ा करके बोल रहे हैं, हम पॉलिटिशियन नहीं है और ना ही ये पॉलिटिक्स है, ये आज भी आप लोगों की एक सेक्रीफाइस कर रहे हैं। अरुणाचल में जो आप चेंज सोचता है, एक बदलाव आना चाहिए जो सोचता है, वो बदलाव का एक आवाज बन के आपका ये बेटा आगे आया, क्योंकि हर कोई सोचता है कि बदलाव आना चाहिए लेकिन हम एक दूसरे को गिनते रहते हैं, आप करने से अच्छा है, वो करने से अच्छा साथ देगा, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि हम आगे आएगा और अरुणाचल मेरे साथ देगा कि नहीं, हम वो मौका देने के लिए आप लोग आए, तो हम पॉलिटिक्स में मोटिवेटेड होकर नहीं आए। इसीलिए अगर कल को हम हारता भी बोलने से हम जीतता भी बोलने से दोनों केस में ये मेरा अकेले का लड़ाई नहीं है, ये हर एक माँ पिताजी का लड़ाई है, ये हर एक नौजवान लड़का का लड़ाई है, ये हर एक भाई बहन का लड़ाई है, ये उन बच्चों को भी बच्चा लोग के लिए भी लड़ाई है जो आज तक अभी पैदा भी नहीं हुआ लेकिन कल को जब पैदा होगा ऐसे हम लोग जैसे एग्जाम लिख रहा होगा नौकरी के तलाश में, ये हर किसी का लड़ाई है। तो इसीलिए अगर आप लोग अरुणाचल जो है हमको साथ देता है, एक ऐसे आदमी को आप लोग जो अपना जो वोट है एक ऐसे लड़का को एक ऐसे लीडर को बनाता है जो आप लोग को दुख दर्द को समझता है, जो गरीब फैमिली से आते हैं कहाँ से क्या दर्द है उसको समझता है, और वो चीज जो है कल को पार्लियामेंट में वो खड़ा करके सही समय में सही तरीका से आपका जो प्रॉब्लम है उसको बात करने की ताकत रखता है, ऐसे किसी को दिखाई देता है तो आप हमको बहुत कीजिएगा, हमको सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि हम आप लोग को प्रोमिस करते हैं एक चीज, ये छोटा सा लड़का होने से भी हिम्मत बहुत ज्यादा है, पैसा नहीं है ताकत नहीं है, लेकिन अगर आप लोग ताकत देगा तो ये आपका बेटा हमेशा खड़ा रहेगा। और पांच साल में आप लोगों को पांच साल का जैसे आज का दिन में रिजिजू साहब को आप लोग लेके थोड़ा सा दुखी होता है, ये मौका आप लोग को नहीं देगा, ये मेरा तरफ से प्रोमिस रहेगा। अगर हम हार भी जाते हैं बोलने से तो हमको लगेगा कि हम नहीं आ रहे, ये बेटा तेची राणा ये नहीं आ रहा है, ये नाम जरूरत नहीं है, तेची राणा को याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम आप लोग के लिए क्या लेके आ रहे हैं, ये समाज के लिए क्या लेके आ रहे हैं, ये अन्य लोगों के सपना को लेके आप क्या करने के लिए रेडी है, ये बच्चे लोग जो अनएम्प्लॉयड यूथ लोग है इन लोग आवाज को लेकर आप कहाँ लेके जाने के लिए रेडी है, आप उस चीज के लिए वो सोच के लिए आपको सपोर्ट कीजिएगा, वो सोच को उसके सोल्यूशन आने के लिए उसके लिए सपोर्ट कीजिएगा। अगर हारता भी बोलने से हम समझते हैं कि हम नहीं हार रहे, आप सब हार रहे, पूरा अरुणाचल हार रहे, अगर जीत भी गया तो हम नहीं जीत रहे, वो हर एक सपना जीत रहे, वो हर एक होप जीत रहे, जो आप सोचते हैं आपके दिल पूरा अरुणाचल एक साथ जीत रहे। इतना बोल के आपको बताना चाहेगा कि मेरा जो सिंबल है वो टीवी है, आप लोग देख रहा होगा ये वही पुराना जमाना का टीवी है जहाँ आप लोग शायद शक्तिमान जूनियर जी वगैरह देखता था होगा, आजकल तो वो फ्लैट स्क्रीन बड़ा बड़ा टीवी आता है, अभी का बच्चा लोग को पूछने से ये टीवी ना रहती है पूछता कोई नहीं पता, लेकिन ये पुराना जमाने का टीवी अन्य आप लोग पहचान रहा होगा, तो ये टीवी का बटन मेरा सिंबल रहेगा, आप अगर उनको सपोर्ट करना है उनसे आपके बेटा को आप ये बटन दबा के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है आप सपोर्ट कीजिएगा। और इतना बोल के आप लोगों को ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेगा, अब हमको लग रहा है कि सब टायर्ड भी हो गया ना, अब सोने का समय भी हो गया, अभी तक शायद हम लोग नहीं आंसर सो भी चाहता होगा, इतना बोल के हम यहाँ रखते हैं, हम लोग को बहुत सारा जगह जाना भी है, टाइम भी बहुत कम है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि जहाँ जा सके आप लोगों के पास आके एक बार आप लोग से मिल के अपने अपना माँ पिता जी से एक बार सामने बैठ के बात करने का मन है, तो वो मौका देने के लिए बहुत 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 शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू कंडू।
थैंक यू अच्छी नाना जी मुसर वेस्ट एमपी के हिंदू को हिका को योगिंग मध्य कोजुक अपुत मुद योगिंग मध्य योगिंग मध्य आई मुई मिजी का मुई मुई योग आदो दे पेमिल बे बेकरा ने मुई मुई को मेगो बे आपु को बे आपु मिजी का ही मैं मुन बोलो अंग दा आपु दा आपु है इजा इनके कोई नंदु मैं मुन का टाइम शॉर्ट होई ओके इजा आइसिंग दुम नंदु मैं मुन का मुई का मुन का एपी के दिल सर आपु मेरो भाई इजा मुन का लास्ट देखो लास्ट इजा दा इजा सिन काम तो लेकिन वही है इजा नोक पब्लिक सब ना मुनगा बोटो टैंक का तो है अमीना मेरे बाल मुनु का यूथ सीनियर आई असी ताने मशीन तुम दो ना ओके थैंक यू अब मैं तो लो आना बदे बोटो टैंक से नून मुन जिस काम आई अब माहिम ये पोप जिया लस्का बोटो टैंक से अब तक ला इजा एनकोरेजिंग अतुज नल्ले बंदु न मेंजी के बा ओके ही अस्तदाक नालो ओके ही एमपी कैंडिडेट्स नल्ले बंदु न मेंजी के बंदु ताहे का स्लीप पर पर उन लके होता नल्ले बंदु न एक्सपेंडेशन दीजिए बंदु ना अब ना करो एपीसीएस अनब गदे लास्ट ईयर ऑक्शन काबिल अप ताबिल अप मनु अरुणाचल प्रदेश को डीसी बदूक ना ईएसी बदूक ना सीओ बदूक ना गद एपीसीएस अमला अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन अतु अगर मुन्ना ने इंटरव्यू जिगो को अरुणाचल को अबु यारु ना तो अबु यारु व इना कंडक्ट ना एपीसीएस पेपर दे 50 लेक्स लोग 60 लेक्स लोग निया पुगल दो काम है अगर ने इच कुछ नहीं पाए के भाई बोलो का इशू आ सब गेमर पालन तुम को मुझे सिर्फ हेल्थ प्रॉब्लम है बीमार लाइन नहीं हो अगर मैं एग्जाम जीत पर हां ना एग्जाम बोल बोलो मुझे गागला को इन अनफॉर्चूनेटली मैं बीमार ने पाए तो ना मिल मैं मजे जा गए काई मैं का गागरो को के ये मुन्ना टीम का मैं जिला ना मैं दो गुना कर मैं जिला इन अगर कमिटी मोगे ना मैं बोलो प्रोटेस्ट लायो लगी जब पेन स्टीरिंग कमेटी है केवा कि अफसुअम ला ओक बांगुनु गालो स्टूडेंट यूनियन ना के भाई या के मोन एस्पेरिंग कैंडिडेट गत बोलो एग्जाम जीत गत मोन टीम पो पोम गिला कि गिव ने गवर्नमेंट गत लब काजी जिप काम ला मोन रिक्वेस्ट की मुला इगिला मही के एक साल लोक मोन फाइटिंग लाइन हम जेल दु ना मक्षिन में केवा अब से लई दो में पाजी दु ना ही जेल दु ना मिगी मोन पाइट को लो पाइट दु ना मम ला आलो लोकिंग ओसिन स्ट्रेकी क्यों ने क्रोमेंट तो मच्छर लोस दो और कंदून ने हिंदू तो मुन्न हो गया कि ना कॉलगेट लोगों तो ट्रास लोगों तो मुन्न दुकान लोग रही हमने मुन्न तो टैक्स ही तो मुन्न हम अलो लोग के मुझे कैपिटल वो बढ़े कुम ने स्ट्रेट और क ना पांडिंग मच्छर लोस दो कि हम इतु ना मांगे ला क्रोमेंट का तो मुन्न हमने एरेस ला लागे कुला मी इतना कर बोल ले मां तेजो ले ला पाशी का बोल ले ला लो बोंदी ला ले लाई जगह जगह लो मुन्न ले ला मुन्न हम एक साल ने मुन्न फाइट की गिरे ते कुला मुनु आग मग ने थारे कुमाय ने मुन ने सिद्ध हम इदो गुन्ना के मनु ने ही एमपी हादो गुन्ना के मनु ने ही मेंजे ने इदो ना के नुन आना पर नुन जज्जब नुन हेंकाला मु देम अबुरा ओ ब्लॉक आगु ब्लॉक एग्जाम जिला इंटरव्यू पेस ना करते नुन ने का तोला का मुनु बारे मा ले मेंजे ने हम मोसी दिन जम ना मनो के लोग ब हिनी आलो मु के ओरिनी आ बगे दा को प्रोपोसिट लागे ला अरे ये सिंहम ये दाख कोम ना मज़ब आओ लाइन ना ये इपे नंबर मेरे आरो को क्यों बाकी से ही गा दी मेन रोप लाइन में वो सिंह ही बहुत अजी को मिलना हम अजी हम यहाँ करा कर यहाँ ही डिसेट करते हैं मेरा घर में 12 बोट है हम मेरा 12 बोट जो है आपको ही दिया जाएगा हम आना बंद मिल रहा सिंह अगर बंद मेरो जी का ही की मुन अगर रिप्रेजेंट माना कर अरुणाचल का होगा स्टूडेंट ने रिप्रेजेंट हो ना नंबर ही आलोने एमपी व इलाका नांगो खायम ने मोनो अबुर आवत के लगा पर खामम इतलाफ के मो मनांगो मजा एस्पेक्ट ओ खादु ना कारण हीगा दिला सि मजा बाग दुकम ने लेते बाग तकी को लेते ला ओ पिजा सि मेजी गवे असि तदाक ना लो मग अबो एमएलए कॉन्टेस्ट दो अबो ने एमएलए कॉन्टेस्ट मंत्र ले ही आउ हकम ही ले दो मोनो वो तो अबो हागम ने आउ यो आउ में दा रिलेशन लोग पर कीपिंग इन पर ना कैसे दिस ले दो दा कि ही है मेरा आपों ने तोपा कर लेते हैं लोग लगा बंद मुझे इंगाली दो ना कर कि मुनुक लगा भी मुनुक लगा भी तू कर तो मैं मुझे रूत लगा कर मुआना बदल मौसम लोग मुनुक शायद लोग एफएजी दो ना
एक्चुअली हम इन लोग को नहीं तो हम लोग होश थे ना, आप लोग को हम बहुत ऑफ थिंग्स देना चाहता हूँ और बिहार ऑफ विलेज और ये पहली बार है वो खेलते लकल आकाला से नहीं पिला पाए एम पी कहती थी काम दो लोग आका माँ वो खेलते पर लकल आला से नहीं पिला पा माइंग का माँ आई थिंक ऐसे मेदन में जीत होगा ये जो खाम्बू बस्ती में जो एम पी कहती थी जो आया हुआ है मेदन में जीत होगा तो अकेला बुद्ध ऐसे आप लोग थोड़ा सा लेट हुआ है एज पर माई एनालिसिस की आगे आप लोग ये ओके बस्ती बस्ती घूमने से हम जैसा वाला स्टूडेंट एस्पायरिंग कैंडिडेट जो है बस्ती बस्ती में तो होता ही है वो अच्छा से आना वो लोग का एक्सप्लेनेशन देने के लिए और आगे आप लोग विजिट करने से ठीक था लेकिन भी कोई बात नहीं मोदा दो लोग कल तक जितना सकेगा हम अब रतांगड़ी भी है और बहुत सारा स्टूडेंट है जो है बहुत सारा एस्पायरिंग कैंडिडेट है तो हम लोग मिल के जो है हम लोग आपके लिए फाइट करेंगे और एक बात यहाँ कह देना चाहता हूँ जो हम लोग का यूथ प्रेसिडेंट है वही आप पोलिंग डे पे आपका पोलिंग एजेंट बन के बैठेगा ये बोल रहे ओके कोई बात नहीं ये जो काम्बू यूथ वेलफेयर एसोसिएशन का जो प्रेसिडेंट है वो ही आपका पोलिंग एजेंट बनकर बैठेगा वोटिंग पे और साथ में हम भी बैठेगा जो हम एमएलए का पोलिंग एजेंट बनकर बैठेगा अगर वो नहीं होता तो हम भी शेयर करेंगे और काम्बू में आपका 570 बोस है तो आई थिंक कुछ तो मिलेंगे खाली तो नहीं जाएंगे कुछ तो मिलेंगे ओके मैं अलू तो हक न समय हमने आना को करने दुर्गित बरामद लगा वासी ऑन बिहाफ ऑफ काबू प्लेस आप लोग को मैं तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अब ऐसा इंदा कुछ दत्त पुनः काम आवाज़ दूर है तो इतना वही तो काम लगो काबू से तो कुबले करते हैं